पहुंचते हैं खबरों के तह तक, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार आज तक। नमस्कार, मैं अभिनव और अभी हम बैठे हुए हैं तह तक में। राष्ट्रीय पत्रिका है, आप सभी परिचित हैं, और हम जिनके पास बैठे हुए हैं सत्यप्रकाश मनोरंजन जी, संपादक हैं। करते हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की। विधायक वर्तमान भाजपा से हैं सचिंदर सिंह। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि एक साधारण कार्यकर्ता थे और इन्हें बस अनमन्य ढंग से टिकट दे दिया गया था, लेकिन एक लहर और इनके कर्म ने इन्हें विधायक बना दिया। अब क्या स्थिति है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की? यहाँ भी लड़ाई आर पार की लड़ाई है, क्योंकि थोड़ा बैक चलेंगे हम 2015 के चुनाव में। उस समय राजद जदयू मिल के चुनाव लड़ रहे थे, तो रजिया खातून जनता दल यू की उम्मीदवार थी, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, नहीं लड़ रही। और निर्दलीय राजद के बागी उम्मीदवार थे मनोज यादव, जिन्हें इस बार टिकट नहीं, जिनको इस बार राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्णायक मत लिया था। निर्णायक मत कहने का मतलब कि 25,000 से ज्यादा मतों को प्राप्त किए थे और हार जीत का अंतर 5,000 के नीचे था। तो निर्दलीय होकर के उतना मत ले सकता है, तो अगर महागठबंधन से आए तो कितना ले सकता है। लेकिन इस बार जदयू नहीं है, इस बार जदयू नहीं है, इस बार भाजपा है और जदयू का टिकट कटा है। जदयू मुसलमान उम्मीदवार था, रजिया खातून जीती है, तो माई समीकरण वहां पे काम करेगा। माई समीकरण काम करेगा वहां पे, इसलिए लड़ाई आर पार की होगी, कहीं उसमें से तीसरा कौन नहीं बनेगा। इस बार सचिंदर बाबू के लिए रास्ता कठिन हो सकता है। कठिन है रास्ता। अब 2 दिन समय है, मोदी जी का कार्यक्रम भी आज है, कहीं मोदी जी का जादू काम कर जाए। लेकिन वहां पे लड़ाई, मतलब आप आगे मानते हैं महागठबंधन के प्रत्याशी को? मानते नहीं, मैंने वहां का मूवमेंट अभी बता रहा है। चुनाव में अभी 2 दिन बाकी है, 3 तारीख को चुनाव है, तो मतलब के हिसाब से 20-15 होगा राजद का और 19 पे सचिंदर सिंह बीजेपी। लेकिन मोदी जी के सभा के बाद हो सकता है जनता करवट ले ले, मतलब मोदी मैजिक बाकी है। देखते हैं। तो अभी कल्याणपुर की यात्रा को हम यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ेंगे हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र की ओर।